हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम फिर से देखते हैं आदि का एक और क्वेश्चन, जो फिर से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करूंगा, बहुत सारे अप्रोचेस मीन्स हम इस क्वेश्चन के भी तीन अप्रोचेस देखने वाले हैं, पर हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, ब्रूट फोर्स मीन्स हमारा जो फर्स्ट अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आफ्टर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मैं आपको इसके बाकी अप्रोच भी कोड करके दूंगा। और इन फ्यूचर जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट है ये डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदमिक्स मीन्स हम आपको आगे चल के अल्गोरिदम्स के भी क्या बताएंगे, टाइप्स होते हैं जैसे कि ग्रीडी अप्रोच होता है, डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है, या बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो आगे चल के हम उसको भी क्या करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। आइए जल्दी से हम एक और अरे बिल्ड क्वेश्चन जल्दी से रीड करके और उसको सॉल्व कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए जल्दी से स्क्रीन पे, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये एक हमारा GFG का पोर्टल है, GFG प्रैक्टिस मॉड्यूल, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ से C++, ठीक है। ये लोगो आपको दिख रहा है, ये GFG का लोगो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, काउंट पेयर्स विद गिवन सम, यानी कि हमें करना क्या है, पेयर्स काउंट करनी है कैसे, जो भी हमें सम दी हुई है उस सम जितनी भी ये जो सम है वो सम अगर होती है तो हम क्या करेंगे, दिस देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी का है, ठीक है, दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये तो मुझे कुछ ऐड वगैरह लग रहा है। चलिए क्वेश्चन है, गिवन एन अरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड द इंटीजर के, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे हुज सम इज इक्वल टू के, यानी कि देखिए हमें एक एन इंटीजर्स का अरे दिया जाएगा, ठीक है, और क्या किया जाएगा, हमें एक इंटीजर के दिया जाएगा, अच्छा के यानी कि ऐसा समझिए सम के हिसाब, सम दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट इन द अरे हुज सम इज इक्वल टू के, यानी कि ऐसी कितनी पेयर्स है उस अरे में जिनकी सम क्या होती है, इक्वल्स टू के होती है, ये हमें पता करके बताइए, काउंट बताइए, ऐसा इनका बोलना है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, इनपुट एन इक्वल टू 4, के इक्वल टू 6, यानी कि अरे में चार एलिमेंट होंगे, देखिए चार एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, के इक्वल टू क्या है 6, अच्छा के इक्वल टू 6 यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी सम क्या होती है 6 होती है। चलिए तो आउटपुट क्या आया, देखिए 2। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या, मुझे बताइए इस 1 के साथ ये 5 अगर हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया, तो भी हमारी सम क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी, अच्छा, या फिर इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला 1 अगर ऐड हो जाएगा तो भी सम क्या आ जाएंगी, 6। चलिए एग्जांपल 2, एन इक्वल टू 4 और के इक्वल्स टू कितना 2, तो बेटा देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया 6। अभी आउटपुट 6 कैसे आया, देखिए इस 1 के साथ अगर ये 1 ऐड हो जाए या फिर ये 1 या फिर ये 1, देखिए कैसे आया ये मैं आपको थोड़ा सा ये करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। आउटपुट 6 करना क्या है वो आप समझ गए होंगे कि हमें एक के नाम की सम दी गई है और मुझे ऐसी पेयर्स, कितनी पेयर्स है जिनकी, पेयर्स यानी कि दो दो एलिमेंट की, ठीक है, कितनी पेयर्स है जिनकी सम हमारी क्या होती है, के होती है, उसका काउंट मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। आइए जल्दी से, योर टास्क, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, योर टास्क इज टू कम्प्लीट द फंक्शन गेट पेयर्स काउंट, अच्छा देखिए ये गेट पेयर्स काउंट हमें यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है जिसको पैरामीटर मेरे ख्याल से ये क्या आया हुआ है, एक ARR नाम का अरे आया हुआ है और एक इंट n आया हुआ है और ये यहाँ पे हमें विजिबल नहीं है, मैं ये स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये हमारा क्या होगा, के होगा, यानी कि सम, जो भी सम चाहिए वो हमें ये तीसरा पैरामीटर होगा फिलहाल, हाँ के है, देखिए मैं बोला था आपको के होगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, और इसका मेथड का रिटर्न टाइप क्या है भाई, इंट, यानी कि मुझे वो काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि हमें करना और क्या क्या है, और क्या है ये जो फंक्शन है, विच टेक्स ARR n एंड k एज इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ पेयर्स दैट हैविंग सम k। आई होप आप ये समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, big O of n में सॉल्व करो, और ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है, यानी कि स्पेस अगर आपको यूज़ करनी है तो कितनी करो, अरे की साइज की जितनी स्पेस यूज़ करो। कंस्ट्रेंट क्या है, n की साइज़ यानी कि अरे 10^5 साइज का मैक्सिमम आ सकता है। k यानी कि हमारी जो सम है वो इतनी बड़ी हो सकती है, और अरे के एलिमेंट जो रहेंगे वो इन बिटवीन क्या रहेंगे, 1 to 10^6। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, मैं ये स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके मैं आपको पहले आपको एक अप्रोच बता देता हूँ कि हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ भाई n इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो k है यानी कि सम, वो सम हम क्या ले लेते हैं, सम हम ले लेते हैं सपोज 6, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स हम ले लेते हैं सपोज
इस तरीके से पांच नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ये मैंने सॉर्टेड लिए हुए, ऐसा जो नहीं है सॉर्टेड आने वाले, ठीक है। ये मैंने एक सैंपल ARR ले लिया जिसका इंडेक्स है ये 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे ऐसे कितनी पेयर्स है जिनकी क्या आ रही है, सम 6 आ रही है, उनका काउंट मुझे पता करना है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, बहुत ही सिंपल अप्रोच, मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। आगे चल के जब हम एल्गोरिथमिक्स यानी कि हम एल्गोरिथम्स के कैटेगरीज सीखेंगे भाई, ठीक है, जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, ग्रीडी होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है, बैक ट्रैकिंग होता है, तब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पता करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए और कौन सा अप्रोच कितना टाइम लेता है, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं अप्रोच। देखिए फिलहाल तो इसका सिंपल अप्रोच ये होना चाहिए कि ये हमारा जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है भाई, 1। अब आप एक काम कीजिए, इस 1 को आप अपने अंदर कंसिडर कर लीजिए। इस 1 को कंसिडर किया मैंने, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ से, यानी कि हम सेकेंड एलिमेंट से पूरा आखिरी तक देखेंगे कि मुझे बताइए मुझे सम कितनी चाहिए भाई, 6 चाहिए सम। बेटा ये क्या है 1, तो मुझे बताइए 1 + 2 क्या भाई 6 होता है, नहीं। 1 + 3 नहीं। 1 + 4 6 होता है, नहीं। 1 + 5 हाँ होता है, यानी कि मुझे पहली पेयर यहाँ पे मिली 1 + 5, ठीक है, यानी कि 1, 5। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये बरोबर, हाँ इसको थोड़ा सा सीधे से लिख देते हैं। हाँ क्या है भाई ये हमारा 1, 5। अब क्या कीजिए, आप सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर कीजिए 2, और ट्रेवर्सिंग क्या कीजिए उसके आगे से, ठीक है, यानी 2 के आगे। बताइए जल्दी 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है, नहीं। 2 + 4 6 होता है, हाँ। यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए ये मैं पेयर्स लिख रहा हूँ, पर मुझे पेयर्स लिखनी नहीं है, पेयर प्रिंट करवानी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनका क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दे कि भाई पेयर्स कौन से, ये भी पूछा रहता था, तो इस तरीके से हमें प्रिंट करना पड़ता था। ऐसा हो सकता था कि इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर ना हो के एक पेयर्स का वेक्टर हो, यानी कि ये हमें ऐसा भी पूछ सकते थे कि भाई आप क्या कीजिए, जितनी भी पेयर्स है जिनकी सम की होती है वो सबकी सब पेयर्स हमें क्या करवा के दीजिए, प्रिंट करवा के दीजिए। तो बेटा यही क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर ऐसा भी होता था कि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो जाता था, वेक्टर हो जाता था, वो भी वेक्टर्स काय का, इंटीजर्स का नहीं, पेयर्स का, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। आगे चल के हम जब पेयर्स देखेंगे तब हम इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे कि जिसके जिस क्वेश्चन का रिटर्न टाइप क्या होगा, पेयर्स का वेक्टर होगा, ऐसे क्वेश्चन हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए 2 और 5 6 होता है, नहीं। हो गया ये 2 का काम, लीजिए 3 कंसिडर कीजिए। 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 4, वो देखिए जल्दी बताइए 3 और 4 कितना, 6 होता है, 3 और 5 6 होता है, नहीं। लीजिए 4, 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स कीजिए 5, 4 और 5 6 होता है, बिल्कुल नहीं। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 2, यानी कि हमें 2 पेयर्स यहाँ पे मिली। चलिए काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे सेकंड टेस्ट केस में हमें दिख रहा था, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, ये सभी एलिमेंट्स अगर समझो हमने ले लिए 3 3 3 3 3, ठीक है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या ले लिया 5, और k इक्वल्स टू किसी ने हमें क्या दे दिया 6, तो मुझे बताइए ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को मैंने कंसिडर किया, मैंने ट्रेवर्सिंग शुरू की इस 3 के आगे से, तो मुझे बताइए ये 3, ये 3 के साथ ऐड होके क्या हो जाएगा, 6। अरे ये 3 इसके साथ पेयर बना रहा है, ये 3 इसके साथ पेयर बना रहा है, ये 3 इसके साथ भी, और ये 3 इसके साथ भी। मीन्स अगर हमने पहले एलिमेंट को कंसिडर किया तो कितनी पेयर बनी भाई, 4 बनी। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा मैंने सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर किया और लुप मैंने चलाया, मैंने ट्रेवर्सिंग की नेक्स्ट एलिमेंट से, तो मुझे बताइए ये 3 इस 3 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ, ये 3 और इस 3 के साथ ऐड होगा तो भी 6 होगा, यानी 3 पेयर्स बनेंगी इस एलिमेंट के साथ। अरे हाँ कि नहीं। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट मैंने क्या किया, कंसिडर किया, मुझे बताइए ये 3 इस 3 के साथ पेयर बनाएगा, ये 3 इस 3 के साथ भी पेयर्स बनाएगा, यानी कितनी, 2। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 कंसिडर किया मैंने, तो ये 3 किसके साथ बनाएगा पेयर भाई, ये वाले 3 के साथ, यानी कि यहाँ पे 1, यानी कि ये 4 + 3 + 2 + 1, जल्दी बताइए कितना होता है, ये होता है 10, और ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए ये एक एज केस भी है, यानी हम जब आगे फ्यूचर जो हम आगे अप्रोच देखेंगे ना, तो ये सभी एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो कैसे पता करना है कि कितनी पेयर्स है, ये हमारा क्या है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, चलिए देखिए अभी हमारा ये नहीं है, यहाँ पे कितने 3s है भाई, 5 बार है, यानी कि इसका जो ये काउंट है ये 10 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, n(n-1)/2 करके। जल्दी बताइए मुझे, n की जगह मैंने 5 रखा, ठीक है, मैंने 5 रखा तो ये n-1 कितना, 4, और ये divided/2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता था 2, और ये 2 × 5 कितना आ जाता था, 10। यानी कि अगर हमारे सबके सब एलिमेंट क्या है, सेम है, और हमें डायरेक्टली पता करना है कि कितनी पेयर्स है वहाँ पे जिनकी सम क्या होती है,
सिक्स होती है, यानी कि सपोज मैं बोल दूं कि वहाँ पे ऐसी कितनी पेयर्स है एक्स प्लस एक्स, यानी पहला एलिमेंट भी एक्स होना चाहिए, दूसरा एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए के, तो ऐसी पेयर्स बेटा वहाँ पे रहेंगी एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। अब देखिए ये जो हमारी एज केस है, यानी इस एज केस को हमें अलग से हैंडल करना पड़ता था अगर हम क्या करते थे सॉर्टिंग करके टू पॉइंटर अप्रोच फॉलो करते थे तो, पर फिलहाल तो मैं आपको क्या करके देता हूँ, ब्रूट फोर्स मेथड इंप्लीमेंट करके दे रहा हूँ। आई होप आपकी ये ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा। तो आइए जल्दी से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मुझे बताइए हमें करना क्या है। देखिए हमें पेयर्स काउंट करनी है, तो मैं इंटीजर क्या ले लेता हूँ, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इसको इनिशियलाइज कहाँ से कर देते हैं, जीरो से। अच्छा अभी हमने आपको बोला कि हमें क्या करना है, ब्रूट फोर्स, यानी मुझे क्या करना है, पहले एलिमेंट को कंसिडर करना है और नेक्स्ट एलिमेंट से फॉर लूप लगाना है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से मुझे ट्रेवर्स करना है और देखना है कि मुझे एडिशन क्या हो रही है, इक्वल्स टू के हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुझे बताइए कि जो हमारा पहला लूप है, पहला लूप हम कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे भाई, इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन क्या, आई लेस देन एन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई लेस देन एन अगर मैंने नहीं भी लिया, एन माइनस वन लिया तो भी चल जाएगा, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं आपको ट्रायल रन करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आई प्लस प्लस, और ये मैं क्या किया, फर्स्ट फॉर लूप हमने पूरा पूरा चलाया आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक, अरे इंडेक्सिंग एन माइनस वन तक ही होती है, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, नेस्टेड फॉर लूप, एक और फॉर लूप चला दिया। मुझे बताइए हमने आपको क्या बोला था, सेकंड फॉर लूप हमें कहाँ से चलाना है, सेकंड फॉर लूप का वेरिएबल ले लिया मैंने जे। मुझे बताइए अगर मैंने पहला एलिमेंट कंसिडर किया है तो मुझे क्या करना है, ट्रेवर्सिंग जो करनी है वो इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट से करनी है। अब भाई नेक्स्ट एलिमेंट से करनी है यानी कि क्या, आई प्लस वन, अब मैंने ले लिया आई लेस देन एन, हाँ भाई ये ट्रेवर्स कहाँ तक करना है, एन तक ही करना है, यहाँ पे एन ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी एन माइनस वन नहीं आएगा, यहाँ पे अगर आपने एन माइनस वन कर दिया तो भी काम चल जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। गलती हो गई है मेरे से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये लीजिए जे, प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट कर दी हमने, वहाँ पे आई नहीं चाहिए था, जे चाहिए था, और ये जे प्लस प्लस, ठीक है। अब जे प्लस प्लस में मैं फिर से अंदर आ गया, और यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये जो अरे है, ये अरे का जो आयथ एलिमेंट है, यानी कि जो मैंने कंसिडर करके रखा है अपने पास, ठीक है, प्लस हम नेक्स्ट एलिमेंट से जो ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं भाई, वो हम जे से कर रहे हैं, इन दोनों की एडिशन इक्वल्स टू किसके बराबर आनी चाहिए, के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, यानी ये इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मीन्स मेरा करंट एलिमेंट और जो हम नेक्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं वहाँ का कोई भी एक एलिमेंट, इन दोनों की एडिशन अगर क्या होती है हमारी, इक्वल्स टू के होती है, तो हमें ये जो काउंट है, ठीक है, इस काउंट को हमें क्या करना है, एक से इंक्रीज करना है। आई होप आप समझ रहे हो, ऐसा करते करते ये हमारा काउंट आ जाएगा, ये दोनों फॉर लूप हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप इस फॉर लूप के नीचे आ जाते हैं, और हम क्या कर देते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर देते हैं हम काउंट, ठीक है। फिर मैं इसको आपको ट्राई रन भी करके देता हूँ, और मैं फिलहाल आपको इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, और नेक्स्ट अप्रोचेज के क्या हो सकते हैं, मीन्स और भी अप्रोच क्या होते हैं वो भी मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, पर कोड आपको करना है, कोड मैं आपको इन फ्यूचर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करके दूंगा, ठीक है, या फिर जब हम आगे के डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे तब, जैसे कि हैश मैप्स वगैरह, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक। मैं काम कर देता हूँ, इसको हम सबसे पहले तो रन कर देते हैं। अब इसको रन करने के लिए बेटा देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको, हाँ देखिए ये कंपाइल एंड रन, ठीक है, कंपाइल एंड रन कर देते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है, ये चलना चाहिए, हाँ इतना है कि, हाँ रुको देखिए, कंपाइलेशन कंप्लीट, फॉर इनपुट 4 6 दिस योर आउटपुट 2 एक्सपेक्टेड आउटपुट 2। देखिए ये कोड हमारा चल गया, पर फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए ये कोड चल तो गया पर अगर मैं इसको सबमिट करूंगा ना तो मुझे नहीं लगता है कि सभी के सभी टेस्ट केसेस क्या होंगे, पास होंगे। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे बताइए जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया तो मुझे बताइए यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोली हुई थी कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको बिग ओ ऑफ एन में क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। पर ये जो लॉजिक मैंने लिखा है मुझे ये क्लियरली पता है कि ये बिग ओ ऑफ एन में सबमिट होने वाला नहीं है, ठीक है, यानी कि इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन स्क्वायर। कैसे, चलिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ड्राई रन जल्दी से करके बता देता हूँ और इसके बाकी अप्रोचेस बता देता हूँ। चलिए पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो देट आपको क्या हो जाएंगी, इसकी हेल्प हो जाएंगी इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज हमने ले लिया एन इक्वल्स टू 4, चलो इसको ड्राई रन कर देते हैं, के इक्वल्स टू भी ले लिया मैंने, के इक्वल्स टू चलो 5 लिया, ठीक है। चलिए हम क्या कर देते हैं जल्दी से, एन इक्वल्स टू 4 का हम क्या ले लेते हैं, अरे सपोज मैंने लिया 1 2 3 4, ओके ये क्या है भाई, ये हमारा ARR नाम का अरे है जिसकी इंडेक्स नंबर 0 1 2 और ये 3 है, ठीक है। देखिए n की वैल्यू क्या है, 4, तो इंडेक्स नंबर होंगे 0 से लेके 3 तक के, यानी कि सम क्या होनी चाहिए भाई, 5 होनी चाहिए। वैसी मुझे क्या करनी है, पेयर्स का काउंट पता करना है, ठीक है। चलिए ये कोड मैं क्या कर देता हूँ, ड्राई रन, ये अरे आ गया, ये n में आ गया 4,
के में आ गया 5, ठीक है। चलिए इंट काउंट इक्वल टू 0, सबसे पहले तो मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, काउंट एक ले लिया मैंने, जिसमें क्या डाल दिया भाई, इनिशियली 0 डाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने ले लिया आई इक्वल्स टू 0। अब देखिए आई इक्वल्स टू 0 के लिए हम अंदर गए कैसे भाई, देखो फॉर लूप की ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, ट्रायरन कैसे होता है, एक बार इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर की बॉडी रन करते हैं, और अंदर की बॉडी रन करने के बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अगेन कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू ही तो अगेन बॉडी रन करके आएंगे फॉर लूप की, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगेन कंडीशन चेक, अगेन कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से फॉर की बॉडी रन करने हम जाएंगे, एंड सो ऑन। यानी कि इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, पर कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बार बार होता है, ठीक है, हर इटरेशन के बाद। चलिए तो ये आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, 0 लेस देन 4, यस अंदर गए। अरे भाई जैसे ही अंदर गए तो हम आई इक्वल टू 0 के लिए क्या कर दिया हमने, एक जे का लूप हमने इनिशियलाइज कर दिया, वो भी कहाँ से, 1 से, ठीक है। और ये 1 से कहाँ तक चलेगा, पूरा पूरा लास्ट तक, ठीक है। अब बताइए मुझे हम क्या किए, जे को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, जल्दी बताइए, 1 लेस देन 4, यस अंदर गए। अरे भाई ए आर आर ऑफ आई, यानी कि 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ए आर आर ऑफ जे, जे क्या है भाई, 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2, जल्दी बताइए 1 प्लस 2, 3, 3 इक्वल्स टू 5 होता है क्या, नहीं, तो ये काउंट प्लस प्लस रन होने वाला नहीं है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएंगी। अब ये ए आर आर ऑफ 0 में तो क्या है, 1, जल्दी बताइए 1 प्लस 3, क्योंकि जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंडेक्स पे हमारा 3 पड़ा है, तो भाई 1 प्लस 3 इक्वल 4, 4 इक्वल टू 5 होता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो काउंट प्लस प्लस होने वाला नहीं है, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगा, 3, भाई जे 3 हो गया तो मुझे बताइए 3rd इंडेक्स में क्या पड़ा है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो जल्दी बताइए ए आर आर ऑफ 0 में क्या था, 1, 1 प्लस 4 5, 5 इक्वल्स टू 5, हाँ, तो ये काउंट प्लस प्लस, यानी ये काउंट हमारा 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होकर 4 हो जाएंगी। और बताइए 4 लेस देन 4, ये कंडीशन जे की क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि हम क्या हो जाएंगे, जे के लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जे के लूप से बाहर आ गए तो आई प्लस प्लस, यानी आई प्लस प्लस, यानी कि अब ये आई जो 0 था, अब ये आई कितना हो जाएगा भाई, अब ये आई 1 हो जाएगा, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, ट्रायल रन को कंटिन्यू कीजिए। अब आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा बेटा, आई इक्वल्स टू 1 यानी कि ये एलिमेंट, यानी कि हम इस 2 के लिए क्या कर रहे हैं, फिर से अंदर गए, अंदर गए यानी कि हमने फिर से क्या किया, अब ये जे को हमने कहाँ से स्टार्ट किया भाई, आई प्लस 1 यानी कि 2, और ये 2, 3 दो बार चलेगा। फिर आई इक्वल्स टू क्या कीजिए आप, आई इक्वल्स टू 2 के लिए क्या कीजिए, जे को स्टार्ट कीजिए कहाँ से, 3 से, और फिर हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू 3 के लिए भी अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको आप क्या कर लीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे कितनी पेयर्स आने वाली है, यहाँ पे जिनकी सम हमारी क्या आने वाली है, 5, वो दो पेयर्स आने वाली, कौन कौन सी, एक देखिए 1 के साथ क्या, 4, और एक 2 के साथ क्या, 3, और कोई तो पेयर है नहीं यहाँ पे जिसकी सम क्या हो रही है, 5, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 पेयर्स आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये ड्राई रन समझ में आ गया होगा, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। पर मुझे बताइए ये ड्राई रन करके मुझे ये भी समझ में आया कि जब ये आई इक्वल्स टू 3 था, तो मुझे बताइए जब आई इक्वल्स टू 3 यानी कि लास्ट इंडेक्स में हमारा आई पहुंच गया, तब हमारा जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जे कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, यानी ये देखिए आई प्लस 1, और मुझे बताइए 4 लेस देन 4, भाई ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, यानी कि ये जो आई का लास्ट इटरेशन है, ठीक है, अरे इसके लिए हमारा जे रन होने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये एन नहीं है, एन माइनस 1 भी हमने लिया तो भी हमारा काम कर जाएगा, आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि जब हमारा आई क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, यानी कि 3rd इंडेक्स पे, अरे भाई तब हमारा जे क्या हो रहा है, जे हमारा हो रहा है 4, मुझे बताइए कोई 4th इंडेक्स वैलिड है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, तो अब हम क्या कर सकते थे, इस n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते थे। पर फिलहाल मैं आपको इस कोड को क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ पहले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आएंगी बेटा वो आएंगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, कैसे ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक हुआ नहीं है, ठीक है। पर आई होप आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 के लिए अंदर जा रहे हैं, यानी पहली बार हमारी n माइनस 1 कंपेरिजन हो रही, फिर कितनी कंपेरिजन हो रही है भाई, n माइनस 2 हो रही है, सॉरी, उसके बाद क्या हो रही है, प्लस n माइनस 3 कंपेरिजन, एंड सो ऑन अप टू 3, 2, 1 तक हो रही है। और जब हम इन सब सीरीज की क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2, और विच इज बिकम ओवरऑल n स्क्वायर, यानी कि ये बहुत ही खराब टाइम है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, n log n, यानी इसका जो सेकेंड अप्रोच है बेटा, सेकेंड अप्रोच जो है इसका, हम n log n में भी इसको सबमिट कर सकते हैं, पर ये n log n वाला अप्रोच भी यहाँ पे सबमिट होने वाला नहीं है। रही बात ये n log n वाला कौन सा अप्रोच है, मैं आपको फिलहाल हिंट दे देता हूँ, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, मैं इन फ्यूचर आपको इम्प्लीमेंट करके दूंगा। देखिए ये जो हमारा सेकेंड अप्रोच है n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, इसमें सबसे पहली स्टेप है कि आप इस सारे को क्या कर दीजिए,
थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप रेडीमेड सॉर्टिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए टाइम क्या लगेगा भाई, एन लॉग इन टाइम लगेगा। अच्छा, अभी सॉर्ट करने के बाद करना क्या है, सॉर्ट करने के बाद बेटा हमें क्या करना है, टू पॉइंटर अप्रोच फॉलो करना है। आप देखिए, ये टू पॉइंटर अप्रोच अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, आई होप आपको पहले से आता हो। तो आप क्या कीजिए, टू पॉइंटर अप्रोच इंप्लीमेंट करके आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। टू पॉइंटर अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन आएंगी और एन लॉग एन प्लस एन का ओवरऑल आंसर आता है एन लॉग एन, ठीक है। ये हमारा क्या था, सेकेंड अप्रोच, पर मैं समझता हूँ कि सेकेंड अप्रोच से भी कुछ होने वाला नहीं है, इसमें हमें लगेगा थर्ड अप्रोच। अब थर्ड अप्रोच जो है उसके लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, क्या, हैश मैप, ठीक है। अब कौन सा हैश मैप, भाई हैश मैप भी अनऑर्डर्ड मैप होता है, मैप, ठीक है। अब ये मैप भी दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड होता है। अब ये ऑर्डर्ड मैप कैसे इंप्लीमेंट है, अनऑर्डर्ड मैप कैसे इंप्लीमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए इंटरनली, तो ये हम आपको बताएंगे आगे की क्लासेस में। तो थर्ड अप्रोच जो है हमारा वो हैश मैप वाला है, जो हमारा बिग ओ ऑफ एन में ही सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को, पर वो हम इन फ्यूचर आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिलहाल सबमिट कर देता हूँ, देखते हैं कितने टेस्ट केस पास होते हैं, ठीक है। देखिए सभी टेस्ट केस तो पास होने वाले बिल्कुल नहीं है, चलिए सबमिट कर देता हूँ मैं, ठीक है, देखते तो है कितने होते हैं। देखिए ये जो GFGS पे बहुत सारे टेस्ट केस होते हैं, देखिए कितने के टेस्ट केसेस हैं, ओके, यानी कि 263 टेस्ट केस थे, उसमें से कितने पास हुए भाई, 178 पास हुए। क्यों, योर प्रोग्राम टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। इसकी टाइम लिमिट क्या है, 1.73, ठीक है, क्या है, प्लीज़ ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन, ठीक है। और ये टिप दे रहा है हमें, ठीक है, मीन्स हमें एडवाइस दे रहा है, उससे हमें कुछ करना नहीं है। पर फिलहाल मैं एक चेंज आपको छोटा सा करके देता हूँ, देखिए क्या चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। मैंने आपको बोला भाई ये एन नहीं, एन माइनस वन करेंगे तो भी काम चल जाएगा, इससे हमारी ये दो तीन कंपेरिजन्स नहीं, ये एडिशन, ये इफ स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे कुछ कुछ हद तक, ठीक है। चलिए ये चेंज करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिर से स्मॉल स्क्रीन करके कंपाइल एंड रन कर देते हैं, ठीक है। ये कंपाइल तो होने ही वाला था, देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है ये छोटे से चेंज से। पहले 178 टेस्ट केसेस हमारे पास हुए थे, अब शायद 178 से एक दो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चला के देखते हैं, पूरे 263 तो होने नहीं वाले, वो मैं आपको इन फ्यूचर करके दूंगा, ठीक है। हाँ देखिए, अब तो थोड़े से और कम हो रहे हैं, यानी कि 174, देखिए दो तीन बढ़ जाने चाहिए थे एन माइनस वन से, यानी कि टाइम थोड़ा सा कम लगना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते मैं इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। आई होप कि आपको इस एन माइनस वन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, कोड करना स्टार्ट रखिए। इसके बाकी दो अप्रोचेस, मीन्स हम सॉर्ट करके कैसे टू पॉइंटर अप्रोच फॉलो करेंगे या फिर हैश मैप से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी हम देखते हैं फ्यूचर में, मीन्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, कोड करना स्टार्ट रखिए, कोड करना आपको बंद करना नहीं है,